हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद इरफान एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज है 13th of March 2022, टाइम हो रहा है 9:56। आज मॉर्निंग में हमने कवर किया था जुर्गाठांग, वहाँ से हमने ब्रेकफास्ट किया था, वो आप इससे पहले वाले व्लॉग पे देख सकते हो। यहाँ से आगे बढ़ने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं लिटरली बहुत मेहनत करता हूँ वीडियोज़ बनाने में, वीडियोज़ एडिट करने में, देन पोस्टिंग इट ऑन यूट्यूब। सो मुझे बस एक चीज़ मोटिवेट करती है कि you know, आपने लाइक किया हो, आपने कॉमेंट किया हो, सब्सक्राइब किया हो, तो इससे ना मुझे मोटिवेशन मिलता है एंड इट विल एक्चुअली हेल्प मी टू यू नो पुट ऑन मोर एफर्ट्स ऑन ब्रिंगिंग यू दीज सॉर्ट्स ऑफ वीडियोज़ एंड ब्लॉग्स जो मैं करता हूँ। तो दैट इज़ अगेन अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, तो अब अगर मैं अभी की बात बताऊँ, अब हमने कवर कर लिया है जुर्गाठांग एंड वी आर गोइंग टू राइटमो क्रीक। नाउ क्रीक इज बेसिकली अ स्मॉल नेचुरल स्ट्रीम ऑफ वाटर और अ ट्रिब्यूटरी टू अ रिवर। तो अब हम जा रहे हैं राइटमो क्रीक। यहाँ की स्पेशलिटी ये है कि ये मैंग्रोव से कवर्ड है, दोनों साइड में मैंग्रोव्स हैं एंड इट इज़ टोटली कवर्ड एंड क्रोकोडाइल्स काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या किया है ना कि यहाँ पे एक छोटा सा पार्क बना रखा है एंड उसमें देर आर डिफरेंट यू नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रोकोडाइल स्पीशीज, समथिंग लाइक दैट, वैसा है। वो हम जाके पूरा वहाँ पे कवर करेंगे। तो यही अपडेट था अभी के लिए। अब हम चलते हैं उस साइड और अगर रास्ते में कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलती है वो मैं आपको बताता हूँ। So the time is 10:40, अगर आपको दिख रहा है तो। एंड मेरे पीछे अगर आप देखें तो हम पहुंच चुके हैं राइटमो क्रीक, राइटमो क्रीक टूरिज्म। तो ये बेसिकली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मैनेज करती है। यहाँ पे मैंने जस्ट अभी पढ़ा तो ये ना इनॉग्रेट हुआ था 8 February 2020। तो मतलब ये रिसेंटली हुआ था, तो इसीलिए मेरे को, मैंने जब ये जगह का इंस्टाग्राम पे देखा था तो मेरे को मतलब आई वॉजेंट अवेयर अबाउट इट कि यहाँ पे ऐसा कुछ सीन भी है। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है बाई आर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ताकि यू नो यहाँ के पीपल आके आराम से दे कैन चिल आउट हियर। अच्छा से एक पार्क सॉर्ट ऑफ यू नो एम्बियंस बना रखा है, आराम से यू कैन चिल हियर, यू कैन हैव योर लंच, आप पिकनिक बना सकते हो। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो अपडेट ये है कि हम पहुँच चुके हैं, अब हम एंटर करते हैं एंड मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या जगह है यहाँ पे। ठीक है, बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्लेस इसकी ऐसे ना हट्स बना रखे हैं एंड हट्स ऐसे नहीं है कि वो टिन टाइप लगा रखा हो जिससे कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो। ये ना वो जो पत्ते से जो हट्स बनाते हैं जो हमारे अंडमान या ट्राइबल एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इसमें इसका बेस्ट पार्ट ये है कि ये काफ़ी ठंडा रहता है। गर्मी जितनी भी ज़्यादा धूप पड़ो आपको अंदर गर्मी महसूस नहीं होगी। सो वो एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता था। ये इसकी छत है और अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। और
यहाँ से ना इन्होंने क्या किया हुआ है कि एक छोटा सा पाथ बना रखा है, जिससे कि जो बोट्स वगैरह है वो यहाँ पे एक छोटी सी जेटी की तरह है। अगर आप देखें तो दो बोट्स यहाँ पे टाइड है एंड ऐसे पाथ्स हैं, पाथ से आप आराम से चल सकते हो। यहाँ पे आके यू कैन बोर्ड द बोट्स अगर आप कहीं पे जा रहे हो तो। काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं आपको अब शॉर्ट्स दिखाता हूँ, शॉर्ट्स देखिए फिर मिलते हैं। जिस बोर्ड की मैं बात कर रहा था वो ये बोर्ड है, क्रोकोडाइल सेफ्टी, बिवेयर ऑफ क्रोकोडाइल्स, बिकॉज यहाँ पे इस एरिया में क्रोकोडाइल्स काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। तो और आप देख भी सकते हैं कि यहाँ का सराउंडिंग ही काफ़ी डरावना सा है। तो फाइनली आ चुके हैं वॉच टावर में। तो यहाँ पे एक्चुअली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या कर रखा है कि जो क्रीक का एक एज है उस पे एक ट्री हाउस की तरह बना रखा है, जिस पे जो जो कि आपने जस्ट अभी देखा, जिस पे मैं चढ़ के आया, स्टेयर स्टेयर स्टेयर्स करके बना रखा है एंड ऊपर पे ऐसे प्लेटफॉर्म सा बना रखा है, तो यहाँ पे आके आप बैठ सकते हैं। द एम्बियंस अराउंड इज वेरी गुड, बहुत ही ज़्यादा काम है, चिड़ियों की आवाज़, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, मतलब कोई भीड़ वगैरह कुछ है नहीं। और काफ़ी अच्छा पिकनिक स्पॉट हो सकता है अगर आपको यू रेस्पेक्ट योर प्रिवेसी, यू वॉन्ट योर प्रिवेसी एट अ सर्टन लोकेशन। अगर आपको जाना है वहाँ पे, अगेन आप जा सकते हो बिकॉज भीड़ यहाँ पे है ही नहीं। और आप देखो जैसे क्रीक पानी यहाँ पे है एंड बोट्स भी जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे है, बोटिंग होता है ये मैंने सुना है, बट अब पता नहीं कोई वी कुड नॉट सी एनी पर्सन सिटिंग फॉर बोट्स और समथिंग, या सिटिंग फॉर टिकट्स समथिंग लाइक दैट। तो अभी तो पता नहीं कि फंक्शनल है या नहीं, बट देन येस डेफिनेटली यहाँ से बोट्स है और यहाँ से शायद ट्रिप्स होती होंगी बोटिंग की यहीं पे क्रीक पे। सो टाइम बराबर हो रहा है 1 PM, हमें वहाँ से चले हुए हो गए हैं कुछ 15 से 20 मिनट। राइट मो क्रीक हो गया है कवर्ड, अब हम जा रहे हैं कुछ पेट पूजा करने के लिए जो कि है वाइल्ड ग्रास रिजॉर्ट, अभी तक हमने सोचा है फाइन। उसके अलावा तो एज सच कुछ अपडेट है नहीं। जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा धूप है, रास्ता काफ़ी ख़राब है। तो हाँ, ये एक चीज़ मेरे को आपको बतानी थी कि यहाँ पे अगर आप आते हो ना राइट मो क्रीक के साइड पे, तो ये आपको वाया बम्बू फ्लैट विम्बरलीगंज होके जाना पड़ता है। तो यहाँ का जो रास्ता है ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अब पता नहीं इसका कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है या नहीं, आई हैव नो आइडिया, बट देन काफ़ी ख़राब है। तो वो माइंड सेट को दिमाग में रख के आना कि यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर वेरी 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 बैड रोड्स, क्योंकि काफ़ी खड्डे, काफ़ी ज़्यादा उबड़ खाबड़ रास्ता है। तो एक तरह से ऑफ रोडिंग टाइप हो जाती है भाई, ऐसे लगते ही नहीं कि कोई कोई जगह पे रोड है या नहीं। तो वो एक चीज़ है। अपार्ट फ्रॉम दैट काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई है। ड्राइवर को हम बोल तो रहे हैं भाई जब थोड़ा जल्दी चला लो थोड़ा भाई, 40 के आगे इनका काटा ही नहीं जाता है, क्या बताएं भाई। एनीवेज अब चलते हैं, अब काफ़ी भूख लगी, अब ताकत कुछ बचा नहीं है यार, जेन्युइनली बोल रहा हूँ। तो
लेट्स मीट डायरेक्टली एट द रिजॉर्ट दैट इज़ वाइल्ड ग्रास रिजॉर्ट. सो वी हैव फाइनली रीच्ड वाइल्ड ग्रास रिजॉर्ट. भूख काफ़ी ज़्यादा लगी है, बीच में कुछ काम आ गया था तो आई हैड टू गो बैक टू माई प्लेस एंड देन ऊपर अब हम आ चुके हैं यहाँ पे. एंड लेट्स सी खाना कैसा होता है. खाना हमने ऑर्डर कर दिया है. कह रहे थे कि लंच टाइम पार हो गया है तो नहीं मिलेगा. फिर हमने रिक्वेस्ट किया तो देवर लाइक ठीक है पर थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रिपरेशन में. लाइक ठीक है फाइन नॉट अ प्रॉब्लम. तो खाना हमने ऑर्डर कर दिया है. अब हम यहाँ पे आए तो देखा कि यहाँ पे पूल टेबल है तो फिर हमने एक घंटे के लिए ये पूल टेबल को बुक कर लिया एंड वी आर प्लेइंग. This is the tawa fish I believe, and this one is chicken 65. The time is 5:45. We have had our bhai isko kya bolenge, dinner bolenge, evening snack bolenge ya lunch bolenge, jo bhi hai humne kar liya hai and काफी खाया, पेट भर के खाया because काफी ज्यादा भूखे थे. अब हम निकल रहे हैं वापस घर के लिए. तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं. इट वाज अ लॉन्ग डे, लॉन्ग 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 डे. हम गए थे जिरगाटांग, फिर वहाँ से गए राइट मो क्रीक, उसके बाद वाइल्ड ग्रास. तो अब आज यहीं पे एंड करते हैं. फिर मिलेंगे किसी और व्लॉग में, कहीं और जाएंगे. सो यस, अलविदा, शब्बा खैर.